हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ एनके। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ राजस्थान का बूंदी ज़िले का प्रसिद्ध वाटरफॉल भीमलत वाटरफॉल। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। भीमलत वाटरफॉल राजस्थान के बूंदी ज़िले में स्थित एक बहुत ही आकर्षक वाटरफॉल है, जहां पर हर कोई जाना पसंद करता है। बता दूं कि ये झरना हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि यहां पर पानी 60 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। राजस्थान की रेगिस्तानी भूमि के बीच भीमलत वाटरफॉल पर्यटकों के लिए एक आनंदमयी जगह है। अगर आप भीमलत वाटरफॉल घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको बता दूँ कि ये बूंदी से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भीमलत वाटरफॉल राजस्थान राज्य के सबसे सुंदर झरनों में से एक है। बारिश के मौसम में भीमलत वाटरफॉल बेहद आकर्षक दिखाई देता है और बड़ी संख्या में पर्यटकों को पानी की ओर आकर्षित करता है। वैसे तो भीमलत वाटरफॉल लोग घूमने के लिए और एंजॉय करने के लिए जाते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इस झरने का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत के समय अपने वनवास काल के दौरान महाराज पांडु के पाँचों पुत्र और उनकी माता कुंती इस जगह पर आए थे, और उस समय भीम ने अपनी माँ और भाइयों की प्यास बुझाने के लिए इस झरने का निर्माण किया था। जैसा कि इस झरने के नाम भीमलत से ही समझ आता है कि इस स्थान पर भीम ने अपनी लात जोर से मारी थी और ये जगह गहरी खाई में बदल गई थी। अगर आप भीमलत झरने की यात्रा करने जा रहे हैं तो यहाँ आप महादेव के मंदिर की भी दर्शन कर सकते हैं। बता दूं कि प्रकृति की भव्यता और प्राकृतिक सुंदरता में स्थापित इस मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं।
भीमलत वाटरफॉल में मस्ती करने के बाद आप यहाँ आराम कर सकते हैं और यहाँ के स्वादिष्ट पकवानों का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर कई जूस की दुकानें भी है जहाँ पर आप जूस पीकर अपने शरीर को एनर्जी दे सकते हैं। अपनी भीमलत वाटरफॉल की यात्रा की दुआ आपको महादेव मंदिर के दर्शन भी अवश्य करने चाहिए। भीमलत वाटरफॉल के पास आपको बहुत सारे बंदर भी नज़र आएंगे। भीमलत वाटरफॉल की सुंदरता को निहारने के बाद आप यहाँ के स्वादिष्ट भोजन का स्वाद भी चख सकते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ के कुछ स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों में गट्टे की सब्जी, दाल बाटी चूरमा, खस्ता फ्राई, दाल बड़े आदि शामिल है। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भीमलत वाटरफॉल देखने का सबसे बेस्ट समय कौन सा है। अगर आप राजस्थान में स्थित भीमलत वाटरफॉल की सैर करना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ पर आप बारिश के मौसम में घूमने के लिए जाएं, क्योंकि मानसून के मौसम में इस झरने की सुंदरता देखने लायक बनती है। दोस्तों, आपने भीमलत वाटरफॉल जाने का मानस बना ही लिया है तो अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर भीमलत वाटरफॉल कैसे जाया जाए। भीमलत वाटरफॉल जाने के तीन तरीके हैं, एक हवाई मार्ग से, दूसरा रेल से और तीसरा सड़क मार्ग से। आपको जो भी तरीका उचित लगे उस मार्ग से आप भीमलत वाटरफॉल तक पहुंच सकते हैं। भीमलत वाटरफॉल की यात्रा अगर आप हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो बता दूं कि यहां का निकटतम एयरपोर्ट जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा है, जो बूंदी शहर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। बूंदी शहर से भीमलत की दूरी 39 किलोमीटर है। आप टैक्सी या कैब की मदद से झरने तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से भीमलत वाटरफॉल जाने की योजना बना रहे हैं तो बता दूं कि बूंदी शहर का निकटतम रेलवे स्टेशन कोटा में है। कोटा रेलवे स्टेशन भारत के सभी प्रमुख शहरों से ट्रेन के माध्यम से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। कोटा रेलवे स्टेशन से बस या टैक्सी के माध्यम से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। बूंदी शहर जयपुर से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप राजस्थान परिवहन की बस से भी बूंदी पहुंच सकते हैं या फिर अपनी कार या किसी प्राइवेट टैक्सी से भी यहां बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।